रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर का थियरी पार्ट हो गया है। अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अपना जो टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर 12, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है समहाउ एन एंड इज स्टक टू द रिंग ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन अ सेंटर स्टैंड द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate number of revolutions completed by the ant in these 10 seconds. और इसका जो second part है उसको बोला गया है time taken by it for first complete revolution and The लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमको 2 पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग पहले ये पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट 1, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकंड्स। पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन का डेटा जो है वो समझेंगे कि डेटा हमको क्या दिया है। सबसे पहले बाइसिकल व्हील वॉज इनिशियली एट रेस्ट, व्हील जो था वो पहले रेस्ट पे था। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल n, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 0 है बिकॉज बाइसिकल इज इनिशियल एट रेस्ट। एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πn वेयर n इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 जिसका फॉर्मूला 2πn1 है, बट n1 0 है इसके लिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0। फिर उसका जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो हमको दिया गया है 2 revolutions per second। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी n2 इज 2 revolutions per second, इससे मुझे पता चलेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा 2 का फॉर्मूला 2πn2, बट n2 कितना है 2, ये 2 अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ओमेगा 2 कितना आ गया 4π rad/s। तो मुझे ओमेगा 1 0 मिल गया और मुझे ओमेगा 2 4π मिल गया। वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा। फिर हमको टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, तो टी इज गिवन टू अस। डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1 मीटर, तो फिर उससे मुझे रेडियस पता चलेगा, रेडियस इज t/2, 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। और हमको बोला गया है अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है। ओके, और हमको पहले पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, लाइक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में कैपिटल एन। अभी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किस फॉर्मूला में आता है, तो एक रिवॉल्यूशन में सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी एक रिवॉल्यूशन करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना होता है 2π rad/s। तो इन 1 revolution एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2π rad/s, तो इन n revolutions थीटा कितना होगा 2πn rad/s होगा, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है तो आई विल डिवाइड θ/2π, तो n का वैल्यू क्या होगा θ/2π। तो हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है पार्ट 1 में, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा θ/2π। तो अभी हमारा काम क्या होगा, फाइंड थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फाइंड करो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जिस फॉर्मूला में होता है उस फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है इन सेकेंड इक्वेशन, इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। According to second equation of motion or circular motion, theta equals to omega 1 t plus half alpha t square. तो इससे मुझे थीटा पता चलेगा। बट इस थीटा को फाइंड करने के लिए हमारे पास अल्फा होना चाहिए, अल्फा तो हमको दिया नहीं है। तो पहले हम लोग अल्फा फाइंड करेंगे और अल्फा फाइंड करने के लिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये पहला इक्वेशन अल्फा फाइंड करने के लिए लोग यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 कितना है 4π, ओमेगा 1 कितना है 0, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड्स। तो इससे मुझे अल्फा का वैल्यू पता चला, अल्फा इज 4π/10 एंड दैट इज 0.4π rad/s². तो अल्फा हमको मिल गया।
एक बार अल्फा मिल गया तो फिर हम लोग अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा वन जीरो है इसके लिए फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, एंड प्लस हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.4 पाई सब्स्टिट्यूट किया, टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर दैट इज 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आ गया 20 पाई रेडियन का। मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा फाइंड किया और सेकंड इक्वेशन से थीटा फाइंड किया, अभी इस थीटा को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एन विच इज थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा कितना है अपना 20 पाई, तो दिस इज 20 पाई अपॉन 2 पाई एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे 10। तो अपना पार्ट वन जो है इस क्वेश्चन का हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व पार्ट टू, अब हम लोग पार्ट टू सॉल्व करेंगे। ओके अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमको बोला है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड फॉर द लास्ट रिवोल्यूशन, का मतलब पहला रिवोल्यूशन कितने टाइम में करा और जो लास्ट रिवोल्यूशन हुआ था वो लास्ट रिवोल्यूशन का टाइम हमको फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट में हमको अल्फा तो मिल गया था, डेटा में अपने को एन वन पता है, एन टू पता है, इसका मतलब ओमेगा वन ओमेगा टू पता है, एंड पहले पार्ट में हमने अल्फा भी निकाल लिया था, अल्फा का वैल्यू कितना था अपना पहले पार्ट में 0.4 पाई। फर्स्ट रिवोल्यूशन का अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो आई विल अप्लाई सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये टी वन लिखा टी वन क्या है टाइम फॉर फर्स्ट रिवोल्यूशन, ओमेगा वन जीरो है का मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, थीटा को लिखा मैंने 2 पाई एन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज 2 पाई एन वेयर एन इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यहां पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 1, फर्स्ट रिवोल्यूशन है तो एन बिकम 1, तो एन 1 है तो ये हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा 1 0 हाफ, अल्फा का वैल्यू 0.4 पाई, टी 1 अपने को फाइंड करना है, फिर देखो आगे 2 पाई इक्वल्स टू 0.2 पाई, इसको डिवाइड कर दो 0.2 पाई इनटू टी 1 स्क्वायर, देयरफॉर टी 1 स्क्वायर इज 2 पाई अपॉन 0.2 पाई, तो टी 1 स्क्वायर आ गया 10, देयरफॉर टी 1 आ गया √10, √10 का मतलब 3.162 टू टेकिंग द स्क्वायर, तो अपने को टी वन पता चल गया, टी वन आ गया √10 सेकंड का मतलब 3.1622 सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो है वो उसका √10 सेकंड में हुआ या 3.1622 सेकंड में हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन। अभी इसको जरा ठीक से समझो बच्चों, यहां मैंने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को ड्रॉ किए का मतलब स्टार्ट यहां से हुआ, फिर दिस इज फर्स्ट रिवॉल्यूशन, सेकेंड रिवॉल्यूशन, थर्ड रिवॉल्यूशन, ऐसे नाइन्थ रिवॉल्यूशन एंड टेंथ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं 10, ये तो अपने को मिल गया था, तो यहां पे बॉडी 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है और अपने को पूछा है लास्ट रिवॉल्यूशन का टाइम। लास्ट रिवॉल्यूशन का मतलब 9 रिवॉल्यूशन से लेके 10 रिवॉल्यूशन के बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ ये हमको फाइंड करना है। तो ये टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे 9 रिवॉल्यूशन का टाइम, का मतलब स्टार्टिंग से 9 रिवॉल्यूशन तक टाइम कितना लगा, तो इसको मैंने कॉल किया T9। फिर हम लोग पता करेंगे टाइम टेकन फॉर 10 रिवॉल्यूशन, इसको मैंने कॉल किया T10, ये तो अपने को पता चल गया था, ये तो अपने को डेटा में दिया है, 10 सेकंड दिया है ना, 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन दिया, तो 10 सेकंड का टाइम कितना है, 10 रिवॉल्यूशन टाइम कितना है 10 सेकंड्स, इसका मतलब T10 अपने को पता चल गया ये 10 सेकंड है। अब हमको T9 पता करना पड़ेगा एंड फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को पता चलेगा टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन, इसको मैंने कॉल किया T10 डैश, तो T10 डैश इज अ टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन एंड एज पर द डायग्राम T10 डैश होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज T10 माइनस T9। T10 तो अपने को पता है ना, T10 कितना है 10 सेकंड्स, अपने को अभी क्या फाइंड करना है T9, एक बार T9 मिल गया इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अपने को T10 डैश मिल जाएगा। लेट अस फाइंड आउट T9 नाउ। ऐसे हमने डिस्कशन किया था टाइम फॉर लास्ट दैट इज 10th रिवॉल्यूशन, इसको मैंने क्या कॉल किया T10 डैश, उसको कैसे फाइंड करेंगे T10 माइनस T9। T10 तो अपने को डेटा में दिया था ना, टाइम टेकन फॉर 10th रिवॉल्यूशन वो कितना था 10 सेकंड्स, तो T10 अपने पास पहले से है 10 सेकंड्स। अगर अपने को T9 फाइंड करना है, व्हाट इज T9, टाइम टेकन फॉर 9 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब 0 से 9 रिवॉल्यूशन का अपने को टाइम T9 फाइंड करना है।
टी रैंक को फाइंड करने के लिए वापस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बट यहां पे टी को लिखा टी 9, वापस थीटा को लिखा 2 पाई एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इस केस में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 9, तो एन को लिखा 9, तो 2 पाई इंटू 9 कितना हो गया 18 पाई, ओमेगा 1 जीरो था इसके लिए पूरा टर्म जीरो हो गया, हाफ अल्फा का वैल्यू कितना आया था अपना 0.4 पाई और टी 9 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपना टी 9 का वैल्यू कितना आया रूट 90, दैट इज 3√10, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ टी 9। अभी इस टी 9 को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और अपना फाइनल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन दैट इज टी 10 डैश इक्वल्स टू टी 10 विच इज 10 सेकेंड्स माइनस टी 9 विच इज 3√10, ठीक है। फिर मैंने रूट 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, रूट 10 कितना होता है 3.1622, ये रूट 10 का वैल्यू है, और फिर 3 इंटू 3.1622 आया 9.4866, एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज 0.5137। तो ये हो गया टाइम फॉर लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको पूरा सॉल्व कर दिया। ओके, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द टेक्स्टबुक। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन समझेंगे। नाउ क्वेश्चन में बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5, रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। टेक्स्ट बुक में बच्चों यहां पे डेटा दिया है पाई सेंटीमीटर, बट अगर आप यहां पे पाई सेंटीमीटर लोगे तो अपना आंसर मैच नहीं करेगा, जो टेक्स्ट बुक पे आंसर दिया वो मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन में करेक्शन किया है। तो सेंटर ऑफ द डिस्क कितना देना है 2 सेंटीमीटर, बुक में दिया है पाई, हम लोग लेंगे 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एट वॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर, यह क्या क्वेश्चन का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, बाय वॉट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पाई स्क्वायर लेना है, जी का वैल्यू पाई स्क्वायर लेना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहां मैंने एक ग्रामोफोन डिस्क ड्रॉ किया है, ये डिस्क अपने एक्सिस के अलावा में रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल आर, और एक कैपिटल आर कितना गया 8 सेंटीमीटर। कॉइन यहां पर रखा है तो दिस इज कॉइन, कॉइन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डिस्क को मैंने कॉल किया स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। जैसे डिस्क रोटेट करेगा ये कॉइन क्या करेगा सर्कुलर मोशन करेगा, तो दिस इज सर्कुलर मोशन ऑफ कॉइन। ना कॉइन पे टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे, पहला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको मैंने एफ कॉल किया है। कॉइन का वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एमजी को बैलेंस कर रहा है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो कहां पे टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टुवर्ड्स सेंटर है ये कॉइन को क्या कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कॉइन विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व एंड इट विल नॉट स्लिप अवे, वो ऐसे स्लिप नहीं करेगा। बट अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो ये कॉइल ऐसे स्लिप करके बाहर जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमको पूछा है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जहां पे कॉइन स्लिप करना शुरू करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कॉइन विल नॉट स्लिप अवे, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन सेंट्रीपिटल फोर्स कॉइन विल बिगिन टू स्लिप अवे, का मतलब इट विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द डिस्क। तो इस कंडीशन से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अभी हमको मालूम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μs into m,
वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला में यूज करो एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। फिर नॉर्मल रिएक्शन देखो किसके बराबर है, एमजी के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन एमजी को बैलेंस कर रहे हैं, तो एन को लिखा है एमजी और यहां पे एम आर इंटू ओमेगा, ओमेगा को लिखेंगे 2πn बिकॉज हमको क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने ओमेगा को लिखा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो ओमेगा इज 2πn। फिर एम को मैंने कैंसिल किया तो वी गेट म्यू एस जी इक्वल्स टू आर, इसका स्क्वायर क्या तो 4π स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, देयरफॉर एन स्क्वायर का वैल्यू होगा म्यू एस जी अपॉन 4π स्क्वायर टू आर, इसको मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया। जी का वैल्यू भी पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर और जी को मैंने कैंसिल किया। फिर म्यू एस कितना दिया गया हमको, म्यू एस कितना दिया 0.5, तो म्यू एस 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, दिस इज 2 × 10⁻²⁻² मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 100/16 बट ये एन स्क्वायर है उसका रूट लिया तो 10/4 एंड 10/4 कितना होता है 2.5, तो ये हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं, तो आप इसको 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड बोलो या 2.5 हर्ट्ज बोलो। ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि कितने फैक्टर से आंसर चेंज होगा अगर कॉइन को हमने रिंग पर रख दिया, रिंग का मतलब एज, ये हो गया ग्रामोफोन, डिस्क का एज, इसी को बोलेंगे रिंग। तो कॉइन को समझो मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया एकदम एज पे, एकदम रिंग पे, ये हो गया रिंग एज, तो फिर आंसर में क्या चेंज होगा, कमल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी कितना होगा, हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले केस में जब एक कॉइन यहां पे था उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन था स्मॉलर, जब ये कॉइन यहां से यहां शिफ्ट होगा तो कॉइन का सर्कुलर मोशन का रेडियस इज सेम एज रेडियस ऑफ द डिस्क। ओके, तो पहले केस में रेडियस स्मॉलर था, सेकंड केस में कॉइन यहां पे चला गया रेडियस कैपिटल आर हो गया। एज पर इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बिकॉज यहां पे तो सेकंड पार्ट में सिर्फ रेडियस चेंज हो गया बाकी फैक्टर तो सेम ही है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से एन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड देन टेकिंग द रेशियो ऑन बोथ द साइड, तो इफ आई टेक रेशियो ऑन बोथ द साइड आई विल राइट n2/n1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, मैंने रेशियो लिया यहां पे, फिर मैंने स्मॉल आर कैपिटल आर को सब्सटीट्यूट करके वहां पे रेशियो मुझे मिला 1/4, बट ये रेशियो किसका है n2/n1 द होल स्क्वायर का है, नाउ टेक द स्क्वायर रूट, तो n2/n1 विल बी 1/2 टेकिंग द स्क्वायर रूट एंड देयरफॉर n2 कितना आ गया 1/2 × n1। इसका मतलब सेकंड केस में जब ये कॉइन यहां से यहां पे गया फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया, सेकंड केस में जब ये कॉइन यहां से यहां चला गया फ्रीक्वेंसी हाफ हो गया, तो पहले केस में अपना फ्रीक्वेंसी कितना था 2.5 था, तो सेकंड केस का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2.5 का हाफ हो जाएगा, का मतलब कितना होगा 1.25 हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो दिस इज कंप्लीट डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का स्टेटमेंट देखो, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, ये दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 KMPH, KMPH का मतलब किलोमीटर पर आर, का मतलब ये अपने को दिया सेफ्टी स्पीड 216 किलोमीटर पर आर, विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी बैंक या शुड द रोड बी टिल्टेड। ओके, तो यहां पे हमको पूछा है पहले पार्ट में एंगल ऑफ बैंकिंग, फ्रिक्शन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं किया है, का मतलब वी आर नॉट गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, का मतलब यहां पे फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज, का मतलब रोड का जो आउटर एज है वो विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज कितना रेज्ड होगा, तो वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, का मतलब ट्रैक का विड्थ दिया है 10 मीटर,
तो अपने को पूछा उसका इलेवेशन कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन एंगल ऑफ बैंकिंग इस टॉपिक का है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंगल ऑफ बैंकिंग। अभी आपको मालूम है जब भी रोड या ट्रैक का बैंकिंग होता है तो आउटर एज थोड़ा रेज होता है, तो देखो रोड इस तरफ जा रहा है, ये रोड का इनर एज है, ये रोड का आउटर एज है, तो आउटर एज इज रेज्ड अबो द इनर एज, दिस इज इंक्लाइन ट्रैक और इसका जो इंक्लिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग जिसका सिंबल थीटा है। दिस इज विड्थ ऑफ द ट्रैक, इसको मैंने कॉल किया एल, ये एल अपने को दिया 10 मीटर और आउटर एज का डिस्टेंस अबव द इनर एज को मैंने कॉल किया एच, दिस एच इज कॉल्ड इलेवेशन। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें अपने को थीटा पूछा है और क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें अपने को हाइट पूछा है का मतलब एच पूछा है इलेवेशन, और फ्रिक्शन अपने को नहीं दिया का मतलब निगलेक्टिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले डेटा में अपने को क्या दिया है, रेडियस दिया है 72 मीटर, अल्सो वेलोसिटी कितना दिया है 216 km/h का मतलब किलोमीटर पर आर, बट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकंड, कन्वर्शन फैक्टर है 5/18 याद रखो, तो 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, सिंपल कैलकुलेशन, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आर इज 3600 सेकंड्स, तो किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लिखा और यहां पे लिखा 3600 सेकंड्स, 1000/3600 इज 5/18, तो कन्वर्शन याद रखना है किलोमीटर पर आर का, अगर आपको मीटर पर सेकंड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18, तो यहां मैंने 216 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 216 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 12 और 12 × 5 = 60 का मतलब इसका वैल्यू मीटर पर सेकंड कितना है 60। ओके हमको दो बातें फाइंड करना है, पहला पार्ट है एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा और दूसरा इलेवेशन का वैल्यू दैट इज एच। एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला इग्नोरिंग फ्रिक्शन ये हमने थ्योरी में डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू v² / rg, दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा का फॉर्मूला व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन या इग्नोरिंग फ्रिक्शन। फिर हम लोगों ने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, v का वैल्यू 60 तो ये 60 स्क्वायर हो गया, r का वैल्यू 72 तो दिस इज 72 × g, g कितना देना अपने को 10, दिस इज गिवन टू अस g इज 10, 60 का स्क्वायर 3600 एंड दिस इज 720, इन में से जीरो कैंसिल करके आंसर आ गया 5, तो tan थीटा 5 आ गया। अगर tan थीटा 5 है तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स ऑफ 5, इसको हम लोग नेचुरल टेंजेंट टेबल में देखेंगे, आपके पास लॉग टेबल होगा तो उस लॉग टेबल में आपको क्या देखना है नेचुरल टेंजेंट टेबल देखना है, उसमें tan इनवर्स ऑफ 5 देखना है, तो अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल tan इनवर्स ऑफ 5 कितना था 78.69 डिग्री, 78.69 डिग्री, दिस इज यूजिंग नेचुरल टेंजेंट टेबल फ्रॉम अवर लॉग टेबल, और ये 0.69 डिग्री को अगर मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 41 मिनट्स, तो फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 78 डिग्री एंड 41 मिनट्स, तो ये होगा एंगल ऑफ बैंकिंग का वैल्यू। अच्छा अभी सेकेंड पार्ट में पूछा है इलेवेशन का मतलब हाइट पूछा है एच, तो इस हाइट एच को पूछना फाइंड करने के लिए यहां पर देखो ट्राइंगल एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्राइंगल में मैंने लिया साइन थीटा रेशियो, साइन थीटा रेशियो इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब फ्रॉम द फिगर साइन थीटा इज एच बाय एल, अगर साइन थीटा एच बाय एल है तो फिर एच कितना हो गया एल साइन थीटा हो गया, तो इससे अपने को एच पता चलेगा, एल का वैल्यू कितना है 10 है ना, एल इज गिवन टू अस एल इज 10 और साइन ऑफ 78 डिग्री एंड 41 मिनट्स बिकॉज थीटा अपने को मिल गया, देखो 78 डिग्री 41 मिनट्स, अगेन रेफरिंग द नेचुरल साइन टेबल साइन ऑफ दिस एंगल इज फाउंड टू बी 0.9805, दिस इज रेफरिंग द नेचुरल टेंजेंट टेबल, तो दिस इज 10 × 0.9805 विच कम्स टू बी 9.805 मीटर, ये हो गया हाइट एच का आंसर। तो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन को 14 का ही डेटा हमको यूज करना है जो मैं अभी सॉल्व किया, तो क्वेश्चन सेज रोड इन क्वेश्चन नंबर 14 इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट का मतलब मिनिमम
स्पीड हमको फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बाय हाउ मच कैन बी द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, कमांड वी मैक्स भी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, वी मिनिमम एंड वी मैक्सिमम, और इस पे एक एडिशनल डेटा दिया है ओवर क्वेश्चन नंबर 14 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का डेटा तो यूज करना ही है, और उसके अलावा हमको एक एक्स्ट्रा डेटा दिया है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज 0.8 का, मतलब ये क्वेश्चन में फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। इन क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, बिकॉज इन दैट क्वेश्चन फ्रिक्शन वॉज नॉट गिवन। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है का मतलब इस क्वेश्चन को फ्रिक्शन कंसिडर करना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। वी हैव बैंकिंग ऑफ रोड में टू फॉर्मूले, एक है वी मिनिमम और दूसरा वी मैक्सिमम, दोनों फॉर्मूले यूज करके इसको सॉल्व करना है। वी मिनिमम इन बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला क्या था, इट वॉज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन थीटा। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने थियरी में किया था, बस अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। तो मैंने आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आर इज 72 इन द क्वेश्चन नंबर 14, जी का वैल्यू 10 इंटू ब्रैकेट टेन थीटा, क्वेश्चन नंबर 14 में अपना टेन थीटा कितना आया था, 5 आया था, है ना। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव गॉट इज 10 थीटा, तो 10 थीटा इज 5, म्यू एस वैल्यू 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 5, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। और फिर ये सॉल्व करने के बाद अपना जो फाइनल आंसर आ गया वी मिनिमम का, वो आया 24.6 मीटर पर सेकंड। तो वी मिनिमम का मतलब मिनिमम स्पीड जो हमको पूछ रहा पहले केस में, लोअर स्पीड लिमिट वी मिनिमम, वो आया 24.6 मीटर पर सेकंड। वी कैन एंड द आंसर हियर, बट टेक्स्टबुक में आंसर दिया है किलोमीटर पर आर में, तो हम लोग अभी आगे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड इज 18/5 किलोमीटर पर आर, इसका मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 88.56 किलोमीटर पर आर। ये हो गया पहले केस का आंसर। नाउ लेट अस कम टू सेकंड केस, सेकंड केस में अपने को अपर स्पीड लिमिट पूछा है इस केस का। तो वीमैक्स का फॉर्मूला जो हमने डेरिवेशन भी किया था, वीमैक्स होता है रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। बट इस क्वेश्चन का जो डेटा दिया है उस डेटा के हिसाब से म्यू एस टेन थीटा कितना है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। म्यू एस था 0.8, म्यू एस था 0.8 और टेन थीटा कितना था 5, तो म्यू एस इंटू टेन थीटा का वैल्यू आ गया 4। तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू अपना आ रहा है 4, तो 1 माइनस 4 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर ये डिनोमिनेटर माइनस 3 होगा का मतलब दिस वैल्यू बिकम्स मीनिंगलेस, बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिव रूट, ये डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द डेटा वीमैक्स जो है वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वी कैन से वीमैक्स टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब व्हीकल कैन ट्रेवल विथ मैक्सिमम इनफाइनाइट स्पीड, तो यहां पे वीमैक्स जो है ना वो तो एग्जिस्ट नहीं करे बिकॉज वी आर गेटिंग नेगेटिव डिनोमिनेटर। तो सेकंड क्वेश्चन का अपना आंसर होगा, सेकंड पार्ट का अपना आंसर होगा वीमैक्स डज नॉट एग्जिस्ट या वीमैक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआ, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ड्यूरिंग अ स्टंट a cyclist is undertaking horizontal circles in a cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should he, the stunt artist, maintain? Minimum speed find karna hai in the well of death. मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg। इफ अच्छा ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20% हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। तो पहले पार्ट में हमको फाइंड करना है वी मिनिमम एंड सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों वेल ऑफ डेथ का भी डेरिवेशन हमने थियरी में किया था, तो ये वेल ऑफ डेथ है
इसमें एक स्टंट आर्टिस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अगेंस्ट द इनर वॉल। तो जब भी आर्टिस्ट या कोई पर्सन वेल ऑफ डेथ में सर्कुलर मोशन करता है, थ्री फोर्सेस विल एक्ट ऑन दैट पर्सन। एक होगा उसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, दूसरा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड होगा बिकॉज टेंडेंसी ऑफ मोशन डाउनवर्ड होगा, एंड तीसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन जो व्हेल के सरफेस ने अप्लाई किया है। एंड नॉर्मल रिएक्शन कहां पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे तीन फोर्सेस एक्ट करते हैं, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एम जी, ये दोनों बैलेंस होते हैं और नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइज द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। और डेरिवेशन हमने वी मिनिमम कितना डिराइव किया था? रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। वी हैव डन दिस डेरिवेशन, इज अ थ्योरेटिकल फॉर्मूला। तो मिनिमम स्पीड ऑफ अ स्टंट आर्टिस्ट इन अ वेल ऑफ डेथ का फॉर्मूला रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। इसके बाद हमको क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूले को वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। आर हमको दिया 6.05, जी को लेंगे 10 और म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कितना दिया 0.5। ये मैंने म्यू एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। 6.05 इंटू 10 इज 60.5, 0.5 का मतलब 1/2, दैट 2 विल गो इन द न्यूमरेटर, दैट बिकम्स 121 एंड रूट ऑफ 121 इज 11 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम स्पीड अपने को मिल गया 11 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट में हमको पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एमजी को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब इवन दो स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट विल कीप ऑन बैलेंसिंग एमजी। तो इन अ वेल ऑफ डेथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा एमजी को बैलेंस करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है तो एफ एस कितना है? एमजी है ना, बिकॉज एफ एस देखो एमजी को बैलेंस कर रहे। तो अगर मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है तो मुझे एमजी फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल हो गया। मास कितना दिया था है ना, आर्टिस्ट का मास कितना है 50, तो एम को लिया 50 और वैल्यू ऑफ जी कितना लेना है 10। तो दिस इज 50 × 10 विच कम्स आउट टू बी 500 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 500 न्यूटन। ये हो गया इस पार्ट का सेकेंड, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16।